our topic is interconversion of potential energy and kinetic energy. For this, suppose that we are having an object. This is having a mass m, and this object is at height h from the surface of earth. We suppose that this is the position A. At this position, the body is at rest and it is at height h from the surface of earth. At this point, as this body is having only position, so according to the definition of potential energy, it will be having the value of potential energy, that is equal to mgh. And at this point, because the body is at rest, it is having no velocity, no motion, so according to the definition of kinetic energy, the value of the kinetic energy at this point A, that will be equal to zero. So we take 3 points. This is a position A at which the body is at rest and the energy is totally potential energy. And suppose that we drop this body from position A, and on this on its way to ground, it is having a position B over here. This means that when the body was going down to the ground, it passes through the position B. At this point, the body is in motion. The body is not at rest. So at the point B, it will be having some kinetic energy as well as potential energy. Why kinetic energy? Because the B point is it at some distance? Is it at some height from the surface of earth? So point B ki bhi yahan pe potential energy bhi hogi aur kinetic energy bhi hogi. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है इसकी, वो हम फाइंड आउट करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है वो भी हम इक्वेशन से भी ड्राइव करेंगे. सपोज कि ए से बी तक आने में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट दिस डिस्टेंस इज एक्स. तो जब जैसे ही ये बॉडी ग्राउंड पे हिट करेगी, दिस विल बी द लास्ट पोजीशन. हम इसको कहते हैं कि ये सी पोजीशन पे है. और अब सी पोजीशन पे देखें, यहाँ पे टोटल कुछ भी हाइट नहीं है, हाइट ख़त्म हो चुकी हुई है. दिस मीन्स दैट के पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में जो एम जी एच आता है, एच की वैल्यू ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. हम सपोज करते हैं कि जैसे ही बॉडी एम ए पॉइंट से ड्रॉप की गई, तो उस वक्त यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट वाज ज़ीरो. और बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बन गई वी बी. और जैसे ही ये बॉडी ए से ड्रॉप हुई और बी से पास होते हुए सी तक पहुँची, तो सी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी वी सी. नाउ वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स, और हमने हमारा इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक ये कहता है कि हर पॉइंट के ऊपर टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी सेम होनी चाहिए. दिस मीन्स दैट कि ए पॉइंट के ऊपर भी अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ले लिया जाए, तो आंसर जो भी आएगा वो बी पॉइंट के सम के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का जो आंसर्स हैं वो सी पॉइंट के आंसर के बराबर होने चाहिए. तो सबसे पहले हम पोजिशन ए के ऊपर जो है वो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. पोजीशन ए पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, दैट द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच, एंड एज द बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी इज एट रेस्ट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, that is equal to zero. So this is potential energy and this is kinetic energy. If we are going to find out the total energy, then that will be equal to the sum of the potential energy plus kinetic energy. तो यहाँ पर values put करके देखते हैं. potential energy की value mgh जी एच है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आ रही है दैट इज़ इक्वल टू एम जी एच ओनली. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए और एट द पोजिशन ए. अब हम आ जाते हैं पोजिशन बी पर, कि पोजीशन बी पर आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाती है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द बॉडी हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस एक्स वाइल रीचिंग द पॉइंट बी, सो द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी एम जी एच. नाउ हेयर द एच विल बी रिप्लेस्ड बाय एच माइनस एक्स, द हाइट एच दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एच माइनस एक्स. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एम जी इंटू
एच माइनस एक्स, इसको अगर आप ओपन करना चाहें, इट विल एम जी विल बी मल्टीप्लाइड विद द टर्म्स एम जी एच माइनस एम जी एक्स, आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ आते हैं, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन कौन सा वी, हमने भी डिफाइन किया कि बी पॉइंट पर पहुँचते हुए मैस जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी वी बी है, सो दिस मीन्स दैट इन दिस इक्वेशन वी विल बी वी स्केयर विल बी वी बी स्केयर। तो सबसे पहले हम वी बी स्केयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी का वी बी स्केयर है, इस सिचुएशन में बॉडी ने मूव किया है ए से बी की तरफ, तो ए पर जो वेलोसिटी है दैट विल बी टेकन एज द इनिशियल, और बी पर जो वेलोसिटी है दैट विल बी टेकन एज द फाइनल। द मैम में जितना डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज एक्स, तो यहाँ पे आप देखें, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या होती है आपके पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो a दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस जी एस विल बी रिप्लेस्ड बाय द x एज वी हैव कवर्ड अ डिस्टेंस x वाइल मूविंग फ्रॉम a टू b, और यहाँ पर वी एफ जो है दैट विल बी द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, और जिसको हमने कहा कि ये वी बी है, तो यहाँ पर वी बी स्केयर आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी ए पर कुछ भी नहीं थी बिकॉज द बॉडी वाज एट रेस्ट, तो वी आई स्केयर जो है दैट इज टेकन टू बी जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी बी स्केयर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज टू जी एक्स, तो यहाँ से वी बी स्केयर की वैल्यू को आप उठाकर पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन ए में आप पुट कर देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बिकम हाफ एम इंटू टू जी एक्स। तो आप देख सकते हैं टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और क्या आपके पास आ जाएगा एम जी एक्स आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप यहाँ से इस पोजीशन बी के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप वैल्यूज पुट करके देखें, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स, वाइल द काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी एम जी एक्स, तो यहाँ पर देखें प्लस एम जी एक्स, तो एम प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स कैंसिल हो गए, और आपके पास इक्वेशन क्या आ गई एम जी एच, दिस मीन्स दैट एट द पोजिशन बी, एट पोजिशन बी द वैल्यू फॉर द टोटल एनर्जी दैट इज फाउंड टू बी एम जी एच, दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू। अब आप देख सकते हैं दैट इक्वेशन नंबर वन इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी एट द पोजिशन ए, एंड द इक्वेशन टू इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी एट द पोजिशन बी, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पर, दैट इज फाउंड टू बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है आपके पास एम जी एक्स। अब हम आ जाते हैं सी पॉइंट के ऊपर, अभी हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन वन और टू दोनों सेम है, दिस इज शोइंग दैट द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए दैट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। अब हम सी पॉइंट की तरफ आते हैं, जैसे ही बॉडी ए से मूव करती है सी की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट ए दैट इज टेकन टू बी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी आपके पास वी सी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बॉडी ने, एच डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यहाँ पर देखें कि सी पॉइंट पे आते हुए बिल्कुल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है, हाइट जो है वो बिल्कुल ग्राउंड और बॉडी के दरमियान हाइट जो है वो जीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि पोजिशन सी में आपके पास क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, वैसे तो एम जी एच होती है लेकिन यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है जीरो, मतलब कि हम टोटल हाइट कवर कर चुके हैं, नाउ वी आर हैविंग नो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, तो यहाँ पे आपके पास एम जी और एच की जगह पर ज़ीरो, सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट द पॉइंट सी। अब काइनेटिक एनर्जी अब हमने फाइंड आउट करनी है, अगेन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ एम वी स्केयर, लेकिन कौन सा वी, वो वेलोसिटी जो सी पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पर वी स्केयर की जगह पे आप वी सी स्केयर लिखेंगे, और वी सी स्केयर अगेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास क्या है,
टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस कंडीशन के लिए आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ए विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्लस जी। एस कितना हाइट हमने कवर किया है, हमने एच हाइट कवर कर ली है, एस की जगह पर एच आ जाएगा। वी एफ दिस मीन्स एट वेलोसिटी एट द पॉइंट सी, तो ये आपके पास वी सी स्क्वायर हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर जीरो थी तो ये पार्ट जीरो हो गया। और आपके पास क्या चीज़ बच गई, आपके पास आ गया वी सी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू टू जी एच। तो ये वैल्यू आपने यहाँ से उठाकर इस पॉइंट के ऊपर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, देन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू टू जी एच। तो ये आपके पास टू टू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, एम जी एच की। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अगर आप पोजीशन सी के लिए टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है एम जी एच। तो या सम किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी एच के। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं दैट दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर थ्री। वी हैव गॉट थ्री इक्वेशंस फॉर द टोटल एनर्जीज एंड सरप्राइजिंगली दीज थ्री आर द सेम। दिस इज इक्वेशन नंबर वन विच शोज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। दिस इज इक्वेशन नंबर टू फॉर द पोजिशन बी विच शोज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर थ्री फॉर द पोजिशन सी एंड इट ऑल्सो शोज दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एंड फ्रॉम ऑल दिस वी कैन से ईजीली दैट एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओनली ऑप्शन इज दैट द वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द अनदर फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर देखें, पहले सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, फिर और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फिर कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। दिस मीन्स दैट एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और यही लॉस एंड गेन होता होता आपके पास सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में बिल्कुल लॉस आ जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल गेन में चली जाती है। तो यहाँ से आप कुछ और इक्वेशंस भी या कुछ और कंक्लूजन भी ड्रा कर सकते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज दिस दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज आवर कंक्लूजन। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी कंसिडर्ड हेयर इज दैट वी हैव टेकन ऑल दिस सिचुएशन इन द केस कि जब हमने कोई भी नॉन रेजिस्टिव मीडियम लिया हुआ है। यहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन को टोटली निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको काउंट करेंगे, तो फिर ये इक्वेशन, ये रिलेशन या ये कंक्लूजन एज इट इज़ नहीं बनेगा, बल्कि फिर होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं कि कैसे हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को शो कर सकते हैं। चलें जी, हेयर वी आर हैविंग लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जैसे जैसे हाइट कम होती जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपके पास एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, दिस मीन्स दैट कि आपके पास फाइनल कितनी थी और फिर आपके पास बाद में जो है वो कितनी वैल्यू आ गई, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना लॉस हुआ है वो पता चल जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कहती है कि आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उसमें से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना गेन आया है वो आपको वो पता चल जाएगा। दिस इज़ द सिचुएशन। यहाँ पर देखेंगे एम जी जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, एच वन माइनस एच टू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हाफ एम कॉमन लिया जा सकता है और वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड फॉर द केस व्हेन वी हैव टेकन अ नॉन रेजिस्टिव मीडियम। यहाँ पर हमने सिचुएशन ली है कि हवा की बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही है, सिंपल टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हो रही है, किसी और फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रही। बट इन एक्चुअल केस जब भी हमारी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके ऊपर एक हवा की रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट करती है और बॉडी को काम करना पड़ता है अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। मतलब कि उस केस में जब रेजिस्टिव मीडियम भी है इन द
प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम। आपके पास आपकी बॉडी को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या होगा, काम वर्क इज ऑलवेज इज इक्वल टू एफ डी इन द केस द बॉडी इज फॉलिंग थ्रू द हाइट एच, और वो काम कर रही है तो इस केस में जो हवा की फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल बी एफ, और कितना डिस्टेंस कवर किया है दैट विल बी एच। दिस मीन्स दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन दैट विल बी टेकन एज एफ एच। तो उस केस में ये जो रिलेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी कि सपोज द बॉडी वॉज एट हाइट एच, तो यहाँ पे सारी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही बॉडी ड्रॉप होती होती नीचे की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी ही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा बॉडी को नीचे लाने में अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन काम करने में भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो अगर इस रिलेशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएं देन इट विल बिकम इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू एम जी एच, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू एफ एच। दिस मीन दैट दिस टोटल पार्ट दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम वर्क डन को भी देखें और साथ में काइनेटिक एनर्जी में जितना गेन हो रहा है इन सबको प्लस कर लें देन दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी दैट वॉज द बॉडी हैविंग एट द हाइट एच। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन बिकॉज दिस वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दूसरा कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है यूज़ हो रहा है एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में। सो दिस इज़ आर रिलेशन फॉर द रेजिस्टिव मीडियम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।